हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक बहुत बड़ी जो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि TCS जो है 5/2021 स्कोर को लेकर हायरिंग कर रही है। क्योंकि जब मैं आप लोग का कमेंट पढ़ रहा था, आप लोग के DM पढ़ रहा था इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सअप पर, बहुत लोग ये मैसेज आ रहे थे और उसमें से बहुत लोग ये मैसेज कॉमन थे कि सर मैंने 5/2021 में एग्जाम दे रखा था, मेरा स्टेटस बेच ऑप्शन हो गया है, सर मेरा इंटरव्यू मेल कब शेड्यूल होगा। तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और आप लोगों को ये अभी नहीं डरना है कि सर मेरा अभी तक इंटरव्यू मेल नहीं आया। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, स्कोर कार्ड मैटर नहीं करता, आपका स्कोर मैटर नहीं करता, आपका लक मैटर करता। अगर आपका लक रहा तो जरूर होगा, क्योंकि जिन लोगों का भी आया था उन लोगों का स्कोर ऑलमोस्ट 1300 प्लस है। और हाँ देखो यार, ये कहीं ना मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, ये कहीं ना कहीं लक पर डिपेंड करता है। अगर आपका लक रहा तो आपको TCS की तरफ से मेल देखने जरूर आएगा। और हम लोग इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले पे वो देख लेते हैं। व्हेन वी हैव टू अप्लाई फॉर ड्राइव इन नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। देखो आप लोग को अभी अप्लाई करने का कहीं भी ज़रूरत नहीं है। आपको जब TCS हायरिंग करेगी तो आपको सेकेंड स्टेप का ऑलरेडी मेल आएगा, या फिर सर्वे मेल आएगा। सर्वे मेल में जब आपको सर्वे मेल आएगा तो उसमें आपको आपका जो नेक्स्ट स्टेप का रेफरेंस नंबर होगा वो फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। अगर TCS को ऐसा लगा कि नहीं आपका जो अकाउंट है क्रिएटेड नहीं है, आप कुछ ऐसा लगा, तो वो लोग अपने कन्फर्मेशन के लिए आपको सेकेंड स्टेप कन्फर्मेशन का मेल भेजती है कि आपका सेकेंड स्टेप रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहाँ से अपना रेफरेंस ID जनरेट करके आप मुझे वापस भेजिए। ठीक है, अभी आप लोगों को कहीं नहीं करना, आप लोगों को वेट करना TCS का मेल का। आगे बात करते हैं HR ऑन हैपनिंग ऑन फोन कॉल। अब फ्रेंड, अब मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जो TCS जो है वो HR जो है TCS के वो फ़ोन भी कॉल कर रही है। ठीक है, HR फाइनल राउंड बोल दो या फिर पहला राउंड बोल दो या फिर TRMR राउंड बोल दो, तो TCS के HR जो है कॉल भी कर रही है। तो आप लोग को इस चीज़ को लेके भी अपना ध्यान रखना है कि अपना मोबाइल को साइलेंट मोड पे नहीं करना है, रिंग पर करना है, क्योंकि आप लोग को भी TCS की तरफ से कभी भी कॉल आ सकता है। अगर कोई अननोन नंबर आता है तो फिर भी आप लोग ट्राई करो कुछ दिन तक तो फ़ोन रिसीव करने का। ठीक है, विल TCS HR रिजेक्ट इन फोन कॉल। तो मैंने एक बंदे से बात कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि जब सर मुझे फरवरी में मैंने एग्ज़ाम दे रखा था, मुझे TCS का HR का कॉल आया। उसने मुझे पूछा कि क्या आपका कोई बैकलॉग है, क्या आपका कोई आपका परसेंटेज क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उससे वो पूछा गया था। और उसके बाद उससे ये भी पूछा गया था कि सर कि आपका जो है क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा, तो आपको विद इन 10 अप्रैल के अंदर में आपको जो है TCS की तरफ से रिजेक्शन मेल आ जाएगा। तो फिर जिनको भी ये मेल आ रहा है, मैं बहुत लोगों से मैं पढ़ा भी था ये DM पे, इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन पे। तो फिर जिन लोगों को भी ये कॉल आया है, आप लोग को 10 अप्रैल तक वेट करो। अगर आपका रिजेक्शन मेल आता है तो इट्स मीन कि वो रिजेक्ट भी कर रही है। ठीक है, रिजेक्ट भी कर रही है आफ्टर TRNMR। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर बिल्कुल मत डरो। अगर आपसे TRMR के बाद नहीं, मतलब स्टार्टिंग में ही आपसे पहले फ़ोन करेगी आपको कि आपका परसेंटेज क्या है, सर आप बोलोगे नहीं सर मैं लेस देन 50% है, लेस देन 60% है, तब भी आपको उसके बाद का कोई मेल नहीं आएगा। अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, TCS का जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है अगर आप फुलफिल कर दो, तो भी आपको TCS की तरफ से मेल आएगा। वो बस अभी कन्फर्मेशन कॉल करने के लिए कॉल कर रही है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो क्राइटेरिया क्या TCS क्राइटेरिया से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। TCS रिजेक्शन अपडेट। यस फ्रेंड, एक अपडेट यहाँ पर TCS सबसे ये आ रही है कि बहुत लोगों का मैंने ये चीज़ सुना है कि हाँ सर TCS का जो कॉल आने के बाद TCS ये बोल रही है कि आपका जो क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, आपको 10 दिन के अंदर में 12 अप्रैल के अंदर में आपको जो है रिजेक्शन मेल आ जाएगा या फिर आपका स्टेटस जो है अपडेट हो जाएगा। अब बहुत लोग का ऐसा भी है कि मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर बहुत लोग बोल रहे थे कि सर मेरा रिजेक्शन मेल आया, रिजेक्ट स्टेटस आया नेक्स्ट स्टेप पे, ऑटोमेटिक फिर बेस्ट ऑप्शन हो गया। तो इस चीज़ में भी आपको सोचने को डरने की कोई बात नहीं है। वो सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, कभी अपडेट कभी अनअपडेट, कभी उस प्रॉब्लम से भी वो कभी इशू हो जाता है। ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। स्टिल नॉट रिसीव इंटरव्यू मिलते हो फ्रेंड, अभी भी आप लोगों के पास उम्मीद है जो 2021 के पास आउट के बैच है उन लोगों का। बहुत लोगों का था, बहुत लोग कमेंट भी कर, सर आपने बोला था 2 साल का वैलिडिटी है तो TCS हम लोग कब हायरिंग करेगी। देखो अभी हायरिंग करना चालू कर दिए, मुझे पता ज़्यादा नंबर पे हायरिंग नहीं कर रही है, कम नंबर पे हायरिंग कर रही है, बट हाँ उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब 2019 या 2020 का एंड होगा हायरिंग, तब उसके बाद 2021 को हायरिंग करना चालू कर देगी। ये तो मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल मत सोचो। ठीक है, वीडियोज़ देखो, सर्च मारो यूट्यूब पर, सब कुछ सही है, लेकिन यार आप लोग अगर स्कोर अच्छा है तो यार उम्मीद रखो कि आपको TCS की तरफ से जरूर आपको मेल देखने को आएगा। अब बहुत डाउट होता है मैं क्या NQT दूँ कि नहीं दूँ। आपको देने, अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर 1300 प्लस है, अगर आपका कोडिंग में 12, 15, 16 है, 30 है आउट ऑफ 60, तो आप मत दो, कोई जरूरत नहीं है। तो
आप लोग पास अभी भी उम्मीद है, आप लोग वेट करो जब तक 2019 या 2020 का अच्छे तरीके से हायरिंग क्लोज नहीं हो जाता, एंड नहीं हो जाता, तब तक 2021 को करेगी, बट अभी कर रही है लेकिन नंबर इज वेरी लेस, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और अभी भी आप लोग पास उम्मीद है टीसीएस की तरफ से आने का, तो अपना मेल अपना आप चेक करते रहे, रेगुलर मेल चेक करते रहे, अपना टीसीएस नेक्स्ट स्टेप वेबसाइट को बार बार विजिट करते रहे, आपका आपका बेस्ट ऑप्शन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर छोटी अपडेट थे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने बड़ा 2 साल वेलिडिटी है सर, तो हम लोग फरवरी 2021 में क्या करेंगे, आप लोगों को भी हायरिंग करेगी, आप इसमें श्योर रहो। फिर मिलते हैं पूछते मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। और फ्रेंड, हाँ फ्रेंड, अगर आपने मेरे टेलीग्राम अपने पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा है, तो अपने अपने रीजन के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, उसका जो लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपने अपने एचआर में ज्वाइन हो जाएगा, दूसरे रीजन के ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा आपका, जैसे हैदराबाद पुणे, और अगर कोई स्टिल पेंडिंग पड़ गया है तो मुझे आप कमेंट कर बताइएगा, मैं उस पर एक नया ग्रुप बना दूंगा रीजन वाइज। तो फिर उम्मीद करता हूं वीडियो पहुंचेगी, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।